अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। इनकी और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी ने बीजेपी को राजनीतिक तौर पर इनविंसिबल बना दिया है। बहुत ही डिसरप्टिव पॉलिटिकल करियर रहा है इनका। क्या कुछ अचीवमेंट्स रही अब तक और क्या कुछ बड़ा कर सकते हैं मच एंटिसिपेटेड मोदी गवर्नमेंट 3.0 में, आइए बात करते हैं। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980s में बिल्कुल निचले पायदान से एक बूथ वॉकर के तौर पर हुई। वहां से जमीनी स्तर की राजनीतिक बारीकियों को समझा और समय के साथ एक कमाल के पॉलिटिशियन कम स्ट्रेटजिस्ट बनकर उभरे। सबसे पहली राजनीतिक कामयाबी मिली 2002 में जब इन्हें गुजरात स्टेट का होम मिनिस्टर बनाया गया। दूसरा राजनीतिक पड़ाव 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में आया जब पार्टी ने इन्हें चुनावों के नजरिए से सबसे अहम सबसे बड़े राज्य यूपी का प्रभारी बनाया, जिसमें बीजेपी को अनप्रेसिडेंटेड 80 में से 73 सीट्स मिली, जिसके बाद इन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी अध्यक्ष बनते ही इन्होंने काफी अग्रेसिव चेंजेस लाने शुरू किए। घंटों तक पार्टी ऑफिस में बैठे रहना, पदाधिकारियों को पार्टी कार्यालय में हर दिन रिपोर्ट करने के लिए निर्देश देना, कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच बनाना, उनके नाम याद रखना, हर जिले में पार्टी कार्यालयों को खोलना, इनका सबसे बड़ा लक्ष्य था लोगों के साथ सीधा पार्टी के विचारों को पहुंचाना। इसके लिए पब्लिक आउटरीच को बढ़ावा दिया गया। राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ था कि पार्टी मेंबरशिप ड्राइव चलाकर 10 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स बनाती है। इनकी अध्यक्षता में डोर टू डोर कैंपेन्स और जनसंपर्क अभियान ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्यों को लोगों से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए ट्रेन किया गया। अमित शाह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पोटेंशियल को भारतीय राजनीति में उनके प्रयास से कहीं पहले ही जान लिया था और इसका उन्हें फायदा भी खूब मिला। इनके द्वारा लगातार बड़े और वेल ऑर्गेनाइज सोशल मीडिया कैंपेन्स लॉन्च किए गए। अब बात करते हैं इनके अब तक के असेंबली इलेक्टोरल ट्रायंफ्स की। इसमें सबसे पहले आता है 2017 के यूपी इलेक्शंस, जिसमें दो दशक बाद बीजेपी यूपी में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अमित शाह द्वारा योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है और इसके बाद 2022 में दूसरी बार इस जीत के माइलस्टोन को अचीव किया जाता है। पिछले 40 सालों में कोई भी राजनीतिक दल भारत में इस माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पाया है। मैसिव एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 2017 और 22 के गुजरात असेंबली इलेक्शंस। और अब अंत में बात करते हैं आर्टिकल 370 की, जिसको लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी तैयार की गई, जिसमें लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा गया। और साथ ही एफिशिएंटली इंटरनेशनल पॉलिटिकल आउटरीच के साथ पाकिस्तान की भी सारी प्रोपेगेंडा सिंपैथी पाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं सीएए की। सीए को 2 साल बाद ही सही पर मजबूत पॉलिटिकल विल के साथ लागू कर दिया गया और मच एंटिसिपेटेड मोदी गवर्नमेंट 3.0 में इनसे इससे भी ज्यादा एग्रेसिव स्टेप्स की उम्मीद रखी जा रही है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी और एनपीआर टॉप ऑफ द एजेंडा होंगे।